अधूरी जल परियोजनाओं पर सपा का बाल्टी प्रदर्शन। जल निगम कार्यालय पर बाल्टी लेकर किया प्रदर्शन। ग्रामीण व नागरिक क्षेत्रों की अधूरी जल परियोजनाओं को पूरा कराने की मांग। अधिशासी अभियंता को ज्ञापन देकर की मांग। सपा शासन में शुरू हुई थी ग्रामीण पेयजल योजना, सरकार पर लगाया कन्नौज की अनदेखी करने का आरोप। इस प्रकार का प्रदर्शन है, क्या मांगे हैं? माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो सरकार थी, माननीय सांसद डिंपल यादव जी के प्रयास से कन्नौज में कम से कम 200 जल परियोजनाएं लागू की गई थी। टंकियां बन गई थी, पाइपलाइन बिछ गए थे। कुछ जो बाद में टंकियां बनाने का काम हुआ था, परियोजनाएं, वो जरूर अधूरी थी। जो अधूरी थी वो वहीं पे ठप हैं, और जो परियोजनाएं चालू थी उनमें लीकेज हो गए, बंद पड़ी हैं। कम से कम 100 परियोजनाएं, जल परियोजनाएं बंद पड़ी हैं। हमारा जनपद जो जलालाबाद ब्लॉक और तालिग्राम ब्लॉक डार्क ब्लॉक था, डार्क जोन था, उन्हें घोषित किया गया। इसी को देखते हुए जल परियोजनाएं लागू की गई थी कि ज़्यादा अगर बोरिंग हैंड पाइप लगेंगे जल की बर्बादी होगी। लेकिन सरकार बदलते ही इस सरकार ने सब कुछ चौपट कर दिया है। करोड़ों रुपयों की योजनाएं ध्वस्त पड़ी हैं, बंद पड़ी हैं। अधिकारी अपने में मस्त हैं, जनता त्रस्त है। उन परियोजनाओं को शुरू कराने के लिए हम समाजवादी लोग आज ये खाली बाल्टी लेके आए हैं कि हमें पानी दो। हम प्यासे हैं, जानवर प्यासे हैं, पशु पक्षी प्यासे हैं, लेकिन ये सरकार सुन नहीं रही। इसलिए हम बाल्टी बजा के आज प्रदर्शन